नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनलकु आपन समस्तंकु स्वागत जनाई आजिर वीडियो आरंभ करिवा। आज अष्टम श्रेणी तृतीय अध्याय रे थिबा विज्ञान बहिरो संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक विषय रो सेकंड पीरियड आरंभ करिवा। तो प्रथम पीरियड टी रे आमे 12 नंबर पर्यंत सारिथिलु, वर्तमान 13 नंबर। कोन अछि प्रश्न? ना कृत्रिम तंतु उत्पादन जंगल संरक्षण रो सहायक कि? 10टी वाक्य रे आलोचना कर कहिछि। तो कौन लिखा? ना कृत्रिम तंतु गुड़िक मनुष्यकृत, एगुड़िक रासायनिक प्रक्रिय सृष्ट। प्लास्टिक्स, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, नाइलॉन, रेयन आदि तंतु कृत्रिम तंतु। एगुड़ी को व्यवहार कलापर परित्यक्त आवर्जना को आम एणे तेणे फोपाड़ी देव किंबा जाड़ी देव किंबा गात खोली माटी रे पोती देव। बिट फोर, एगुड़िक शस्ता हेतु आम यार व्यवहार बहुल भाव करुछु। से गुड़ाक शस्ता से प्रचुर भाव समस्ते से गुड़ाक व्यवहार करुछंती। तेणु प्लास्टिक आवर्जनार परिमाण सबु आवर्जना अपेक्षा अधिक, से देखुन चारिआड़े प्लास्टिक रो सबु आवर्जना पड़ी रही। एगुड़ी को माटी तले गात करी पोती देले वर्षा जल माटीर तल स्तर को जीवारे अवरोध करती। यहाँ फल भूतल जल स्तर परिमाण कमी जाए, जलाभाव अनेक वृक्ष मरी जाए, तेणु जंगल संरक्षण में व्याघात सृष्टि हुए। प्रदूषित मृत्तिकारे वृक्ष भल बढ़े ना, तेणु ताहा जंगल संरक्षण में सहायक हुए ना। आउ गोटे पॉइंट लिखा, यहाँ मध्य संरक्षण में बाधा सृष्टि कै। 14 नंबर कौन अच्छे? ना प्लास्टिक ठारू दूर से रुह। यही उक्ति विज्ञान भित्तिक तात्पर्य 10टी वाक्य आलोचना कर। आम कौन लिखा? फर्स्ट पॉइंट, ना प्लास्टिक रो व्यवहार अत्याधुनिक जुगरे बहुल भाव रे हेउची। तुम माने तो देखु वर्तमान प्लास्टिक रो व्यवहार बहुल मात्रा रे हेउची, तेणु प्रचुर परिमाण रे यार कठिन अवशेष सृष्टि हेउची। प्रति क्षेत्र रे प्लास्टिक रो व्यवहार बिना आमे चलिबा कष्टकर होइ पडुची। तेणु प्रति क्षेत्र रे प्लास्टिक रो व्यवहार करी यार आवर्जना परिमाण आमे बढ़ई बढ़ई चलीछु। प्लास्टिक आवर्जना को एणे तेणे फोपाड़ी देले से गुड़ी को गाई गोरु कुकुर आदि जीवजंतु खाई पेट रोग रे आक्रांत होंती। तेणु प्लास्टिक आवर्जना को एणे तेणे फोपाड़ीबा अनुचित। प्लास्टिक आवर्जना को जाली देले एथिरु निर्गत मिथेन और अन्यान्य विषाक्त बाष्प परिवेश को प्रदूषण करिथाए। एणु प्लास्टिक आवर्जना को जाड़ीबा अनुचित। प्लास्टिक आवर्जना को माटी रे गात करी पोती देले सह सह वर्ष माटी तले अक्षय अवस्था रे रही मृत्तिका प्रदूषण करिथाए। यह मध्य जल वर्षा जल को माटीर तल स्तर को जीवारे अवरोध करे। यह को नदी बा समुद्र सज्जारे माटी तले पोती देले यह जल प्रदूषण करी जलज जीव मानंग मृत्युर कारण हुए। शेष नंबर पॉइंट लिखा, तेणु प्लास्टिक आवर्जनार सदुपयोग करिवार उपयुक्त उपाय विषय रे आमे ए पर्यंत अनभिज्ञ। तेणु ध्वंस मुखर बर्तिबाकु हेले आमको प्लास्टिक व्यवहार कमेबाकु हेबो। तेणु समस्त आमे मने रखिबा प्लास्टिक जत्ते पारिबा खूब कम मात्रा रे व्यवहार करिबा। वर्तमान 15 नंबर, प्लास्टिक मनुष्य रो उत्तम बंधु किंतु परम शत्रु। 10टी वाक्य मध्य रे एई युक्ति रो सत्यता प्रतिपादन कर कहिछि। कोटाघा पोडाघा आदि क्षत को सिलई करिबा पई प्लास्टिक छुंची सूता और इंजेक्शन देवाई प्लास्टिक सिरिंज आवश्यक। मारात्मक रोगर शल्य चिकित्सा बेले प्लास्टिक द्रव्यर आवश्यकता रही। विद्युत शक्ति आमर अति उपादेय, यार परिवहन रे प्लास्टिक रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण। प्लास्टिक आवर्जना को पड़ीदेले निर्गत मिथेन और केतक विषाक्त बाष्प परिवेश को विषाक्त कर आमर क्षति साधन कै। प्लास्टिक आवर्जना को माटी तले पोतीदेले बीजाणु द्वारा अपघटित न हो वर्ष वर्ष पड़ रही मूर्ति का प्रदूषण करे। पॉइंट कौन लिखा? माटी तले पोती होता प्लास्टिक आवर्जना बृष्टिजल को अवरोध करिवारु भूनिम्नस्थ जलस्तर कमी जाए जहाँ समग्र जीवजगत प्रति विपद। पॉइंट, प्लास्टिक पैकिंग रे थिबा खाद्य पदार्थ अनेक दिन रहीगले यहाँ खाइबारे आमर अनेक रोग सृष्टि हुए। एणे तेणे पड़ा प्लास्टिक आवर्जना को केतक जीवजंतु खाईदे रोग से पड़ती किंबा मृत्यु मुखरे पड़ती। तेणु प्लास्टिक आमर शत्रु। वर्तमान 16 नंबर, प्लास्टिक को पोतिबा अनुचित एवं पड़ा भी अनुचित कहीं बुझाऊ गई। तेने प्लास्टिक को माटी तले पोतीदे सेगुड़िक शह शह वर्ष मटी
ଅକ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତରର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ପୁନଃ ଏହାକୁ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପୋତିଦେଲେ ଏହା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ଫଳରେ କେତେକ ଜଳର ଜୀବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ପଡ଼ିସାରିବା ପରେ ରହୁଥିବା କଠିନ ଅବଶେଷ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା, ପିଭିସିର ପୁରା ନାମ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖ କହିଛି। ତାହେଲେ ପିଭିସିର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ନା, ପଲି ଭିନାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା, ପିଇଟିର ପୁରା ନାମ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖ କହିଛି। ତାହେଲେ ପିଇଟିର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ପଲି ଇଥିଲିନ୍ ଟରପ୍ ଥାଲେଟ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। 19 ନମ୍ବର, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କହିଛି। ତାହେଲେ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି, ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ରୈଖିକ ଏକକ ସଜ୍ଜା, ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ ହେବ, କ୍ରସ୍ଲିଙ୍କ ଏକକ ସଜ୍ଜା। ବିରେ ଅଛି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।